बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विदाई की जाने के बाद सोहाटांडा सीट पर जल्द उपचुनाव होगा और बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विदायगी रद्द हो गई है। उन्होंने कहा कि अब जल्द सोहाटांडा सीट पर उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि सोहाटांडा की जनता इस बार बदलाव करेगी और बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। वहीं अब आइए सुनते हैं बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और क्या कह रहे हैं। सोहाटांडे में चुनाव अब जल्द होगा, तो कैसे देखते हैं विधायकी अब्दुल्ला की जाने को और अब क्या उम्मीद है, कौन बनेगा विधायक? देखिए, अभी रामपुर की तो कुछ दिनों से ये परंपरा रही है, जो भी चुनाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, चाहे लोकसभा हो चाहे अपनी विधानसभा हो, फिर विधानसभा का चुनाव है। और मैं समझता हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है, और जब भी डेट आएगी, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है क्योंकि चुनाव आयोग डेट फिक्स करता है, तो अगर जैसे भी डेट आएगी तो हमारे कार्यकर्ता तैयार है, चाहे हमारे गठबंधन को सीट मिले चाहे भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले, हम उससे सीट को जिता के भेजेंगे। नहीं, ये तो कर्मों का फल है उन लोगों के, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, और वो कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, मैं तो उसमें नहीं कहूँगा, लेकिन अब उन्होंने करा नहीं होता तो ये विधायकी क्यों जाती, और मैं समझता हूँ अगर अच्छे कर्म करे होते तो अच्छे फल ऊपर वाला भगवान देता। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा वहाँ पर, और या गठबंधन की कोशिश, अगर कोई प्रत्याशी लड़ता है तो गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने तो लोकसभा चुनाव में पहले कहा था कि पांचों पांचों की विधानसभा हम जीतने वाले हैं, मेरे ख्याल से तीन तो जीती हुई हैं हमारे पास और चौथी ये जीतने जा रहे हैं, और हो सकता है मेरे ख्याल से पांचवीं का भी चुनाव 2024 तक ना हो जाए।